हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से चार बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही न्यू क्विक इजी एंड क्यूट से बन हेयर स्टाइल। पतले हल्के बालों में भी आप ये सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो जिनके पतले हल्के हेयर हैं। फ्रंट से अपने बालों को थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग करके वॉल्यूम दे दो। कैसे करना है अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और बैक में सिर्फ पतले हल्के हैं, हल्के फुल्के से लंबे हैं, तो ये सारे हेयर स्टाइल आप कर लोगे पतले हल्के बालों में सिर्फ एक रबड़ बैंड से। चार बिल्कुल नए एंड ईजी से बहुत आसान हेयर स्टाइल है, कोई भी बना सकता है। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल में सबसे पहले मैं यहाँ पे अच्छे से रबड़ बैंड लगा ले रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इंस्टा आईडी PreetyY24 है, तो प्लीज़ उस पर भी जाइए, वहाँ पे फॉलो कीजिए। सेकंड चैनल पे भी जरूर जाइए, वहाँ पे आपको मेरी हेयर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको करना है फर्स्ट हेयर स्टाइल में। जब टाइटली रबड़ बैंड हो जाए तो ऊपर की तरफ से इस तरीके से थोड़ा सा हेयर को खींचना है। ओके, उसके बाद से इसको अच्छे से ऊपर से हेयर को, जैसे आपके पतले बाल हैं तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींच लोगे तो बालों में एक वॉल्यूम दिखेगा, जिससे कि बाल आपके अच्छे लगेंगे। अब जो हमने ऊपर से हेयर को खींचा था उसको इस तरीके से कर लेंगे, और जो नीचे के हेयर हैं उनको सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। और जो बीच में रबड़ बैंड हमारा दिख रहा है इसको पहले अच्छे से कॉम कर लेते हैं, ताकि हेयर स्टाइल बिल्कुल भी बिगड़े नहीं। अब बीच में जो हेयर हैं, रबड़ बैंड के पास इस तरीके से रबड़ बैंड को खींचेंगे और नीचे के हेयर्स को उठाएंगे ऊपर की तरफ से। देखिए, मैंने फिंगर ऊपर की तरफ से लगाए हुए हैं, इसी तरीके से लगाना है। और एक्स्ट्रा हेयर को इसके अंदर फिंगर के अंदर पकड़ के और नीचे की तरफ खींच देना है। ओके, और बहुत आसानी से आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे। इस तरीके से खींचने के बाद से एक्स्ट्रा हेयर को अच्छे से हाइड कर दीजिएगा हेयर के अंदर ही। और ये जो हमारा हेयर ऊपर से अगर खींच जाए बाल, जैसे मेरा यहाँ पर वीडियो में खींच गया, तो आपको इस तरीके से इसको ठीक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपने बना लिया अपना हेयर स्टाइल, अब दोनों साइड के ऊपर के और नीचे के हेयर्स को पकड़ के यू पिन से सिक्योर कर देना है। सारे हेयर स्टाइल सिर्फ एक रबड़ बैंड से आप बना लोगे, और यू पिन चाहिए दो चार, आपको पार्टी वेयर हेयर स्टाइल बन जाएंगे आपके। पार्टी वगैरह में भी आप ये सारे हेयर स्टाइल कर सकते हो, पतले हल्के बाल हैं तो भी ये सारे हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल लगभग कंप्लीट होने वाला है। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। और इस तरीके से आपको यू पिन लेके अच्छे से सिक्योर कर लेना, ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे टाइम तक चलता रहे। और इस तरीके का एक फ्लावर वाला यू पिन लेके इसको बीच में सेंटर में लगा दोगे तो ये पार्टी का लुक दे देगा आपको, और बहुत आसानी से आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल में ये है बन का फाइनल लुक, फर्स्ट हेयर स्टाइल का। सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए पहले इस वाले हेयर स्टाइल को ओपन कर लिया मैंने। अब सिंपली आपको जितना भी पोनी का हेयर बचा हुआ है उसको एक चोटी बना लेनी है। सिंपल वाली जो चोटी होती है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके जो हम लोग गूंथते हैं, वो वाली चोटी गूंथनी है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और मैंने एक गोल्डन कलर वाला हेयर वाला डमी ऑर्डर किया है, जिससे आपको हेयर स्टाइल जो है वो प्रॉपर दिखेगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा हेयर स्टाइल को समझने में। तो इसलिए मैंने वो भी ऑर्डर किया है, बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे ही आ जाता है मैं उसे डमी के साथ हेयर स्टाइल भी आपके साथ शेयर करूँगी। उस पर मैं गॉर्जियस हेयर स्टाइल बताऊँगी, जैसे कि पार्टी वेयर, इंगेजमेंट लुक के लिए, वेडिंग के लिए हीट उस पर यूज कर सकते हैं उस वाले डमी पर। तो उस पर मैं कर्ल्स वगैरह भी अच्छे से करके दिखाऊँगी। ये वाला हीट हेयर है जो वो थोड़ा सा प्लास्टिक में है, तो इस पर हीट पावर काम नहीं करता है, तो गोल्डन वाले पे सब कुछ काम करेगा। और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिक हेयर स्टाइल्स देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पे। तो ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल भी कंप्लीट होगा। सिंपली हमने चोटी बनाया, बन के चारों तरफ लपेट दिया और यू पिन से इसको सिक्योर कर दिया। और ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, और बहुत ईजिली कोई भी बना सकता है। जिसको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल नहीं आता, बस चोटी गूंथने आती, वो भी बना लेगा। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से हेयर को खींचना मत भूलिएगा, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, हल्के हैं, तो इसको आप फ्लावर वाले यू पिन से डेकोरेट कर सकते हो। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए इसको पहले ओपन करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको खोल लिया हेयर स्टाइल को। अब खोलने के बाद से थर्ड हेयर स्टाइल भी बहुत ईजी है और बहुत स्टाइलिश लगेगा, पार्टी के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपके बाल पतले हल्के हैं, लंबे हैं, और आपको कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब मैंने इस तरीके से हेयर को पकड़ा है रबड़ बैंड को थोड़ा सा टाइटली करके, और नीचे की फर्स्ट हेयर स्टाइल में हमने ऊपर की तरफ से खींचा था, इसमें आपको नीचे की तरफ से खींचना है इस तरीके से। तो नीचे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे हेयर को। ओके,
इसको इस तरीके से अच्छे से फैला लेंगे। अब जो ऊपर के हेयर बचे हैं उसको सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और दोनों को क्रॉस करते हुए, जैसे इस उस साइड का हेयर है तो इस साइड लेके आएंगे और उसको नीचे की तरफ रबड़ बैंड में ही इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा हेयर बचे हैं उसको दूसरी साइड लेके आएंगे और अगेन रबड़ बैंड में इंसर्ट कर देंगे। और आपको अगर अनकम्फर्टेबल लग रहा है तो आप यू पिन भी लगा सकते हो इसमें। तो देखिए हमारा हेयर स्टाइल लगभग बन के कम्प्लीट हो गया, बट इसको अच्छा पार्टी वेयर लुक देने के लिए आपको यू पिन लगाना है इस तरीके से, जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो लगे कि बहुत अच्छा सा एलिगेंट सा लुक दे आपको। ये देखिए कितना ईजिली आप यहाँ पे बना लोगे ये हेयर स्टाइल। तो यू पिन से अच्छे से इसको सिक्योर कर देंगे। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सॉरी थर्ड हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। साड़ी के साथ, गाउन के साथ आप ये हेयर स्टाइल, सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक रबड़ बैंड से। और इस तरीके से बीच में मैंने एक फ्लावर वाला यू पिन लगा दिया है। अब चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। तो चौथे हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। चौथे हेयर स्टाइल के लिए मैंने पोनी को हेयर स्टाइल को ओपन कर लिया और अच्छे से कॉम कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सारे हेयर को सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करना है और बहुत सुंदर सा आपको पार्टी वेयर लुक मिल जाएगा। तो टू पार्ट्स में इस तरीके से हेयर को डिवाइड करेंगे और सिंपली एक इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। ओके, एक पार्ट को आपको ट्विस्ट करना है और रबड़ बैंड के ऊपर से इस तरीके से लेके जाएंगे, एंड तक पूरा ट्विस्ट कर दीजिएगा और ऊपर से लेके आएंगे और इसको यू पिन से सिक्योर कर देंगे। ओके, यू पिन दो तीन लगा लीजिएगा। अब इसके वैसे जो एक पार्ट हमारे पास और बचा है उसको क्या करना है, सिंपल सी चोटी गूंथनी है। चोटी को थोड़ा टाइटली गूंथना है, लूज नहीं करना है। तो यहाँ पे टाइटली चोटी को गूंथ लेंगे और जो हमारा बीच में सेंटर में रबड़ बैंड दिख रहा है उसके ऊपर इसको राउंड राउंड लपेट देंगे और इसमें यू पिंस लगा देंगे और बहुत प्यारा सा लुक आपके पास बनके रेडी होने वाला है यहाँ पे। तो स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखते रहिए। तो इस तरीके से मैंने राउंड राउंड लपेट दिया है, एक्स्ट्रा हेयर को अंदर की तरफ इंसर्ट कर दिया है। अब यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे और खूबसूरत सा पार्टी बन आपके पास बनके रेडी हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आप बना लोगे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, पसंद आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। इंस्टा आईडी प्रीति वाई 24 है, तो प्लीज़ जाइएगा। सेकंड चैनल पर भी जरूर जाएगा, प्रीति वाई 2 सेकंड चैनल का नाम है, उस पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। तो आई होप कि आपको हेयर स्टाइल पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।